हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे की खस्ते वाली पूड़ी। चलिए बनाने स्टार्ट करती हूँ, आप लोग साथ साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है, 4 चम्मच तेल डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ साथ में। हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए बहुत अच्छा आटा बनके तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और गूथूंगी। ये देखिए बहुत अच्छा आटा बन के तैयार हो गया। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए एक बाउल में रख देती हूँ। इसमें ढक्कन लगा के साइड में कर देती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड। अब इसे बाहर निकाल लेती हूँ। चाकू की मदद से ये देखिए, ये थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है मैंने। चाकू की मदद से आधा आधा कर देती हूँ, आधा रख देती हूँ बाउल में। अच्छे से पतला कर देती हूँ। छोटी छोटी चाकू की मदद से लोई बना लेती हूँ। ये देखिए अब एक एक लोई से, ये देखिए ऐसे करके सारा बना के रख लेती हूँ। ये हमने सारे बना के रख लिया है। साइड में कर देती हूँ सारा उठा के, और एक लेके मैदे में डुबो के देखिए ये छोटी छोटी पूरियां बना लेती हूँ। उठा के एक प्लेट में रख लेती हूँ। ऐसे ही सारा बेल के रख लेती हूँ। देखिए हमने सारी पूरियां बना के रख लिया प्लेट में। चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। अब एक एक पूरी डालूंगी।
ऐसे मैं सारा तल के रख लेती हूँ पूरी को। इस साथ में और भी डाल देती हूँ, ये देखिए। फ्रेंड ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं मैदे की पूरी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है पूरियाँ। ये पूरी बहुत अच्छी लगती है खाने में, चाहे सब्जी से। प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने सब्जी बना के रखा था थोड़ा सा। ये साथ में करौंदे की चटनी हमने बना के रखा था, ये देखिए। पूड़ी के साथ में खाने में बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए।